पार्टी के ऊपर आरोप बड़ा संगीन लगा है, और मैंने ये देखा है कि आप अपनी पार्टी को डिफेंड भी कर रहे हैं, आप केजरीवाल साहब से जाकर मिल भी रहे हैं, आप ऑब्वियसली उनकी फैमिली से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी मुझे बड़ी क्लियरली दिखाई देती है। आप मुझे बताइए कितनी आफत का पल है ये आम आदमी पार्टी के लिए। नहीं, आफत का नहीं है, असल में क्या है कि जो हमारी पार्टी है आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल पहले बनी थी, लेकिन 10 साल में ये नेशनल पार्टी बन गई, और 10 साल में हमारी बढ़ने की रफ्तार जो है वो इतनी तेज है कि इंडिया में कोई भी पार्टी इससे पहले इतिहास में इतनी जल्दी इतना राइज नहीं कर पाई। तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कोई संकट वंकट ये कुछ नहीं, राजनीति में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन अगर हम गिल्टी साबित हो गए उस दिन बात करना। आरोप तो जिस पर मर्जी आरोप लगा के आप अंदर कर दो, आप सत्ता में हो आप किसी को भी अंदर कर दोगे, उसके बाद कहो जी इसकी पार्टी तोड़ दो, इसके MLA तोड़ लो, इसके MP तोड़ लो। ये तोड़ने वोड़ने वाली राजनीति हम नहीं करते, हम तो जोड़ने वाली राजनीति करते हैं। हम नाम की नहीं, हम काम की राजनीति करते हैं। देखो कई बार जो नई पार्टी है ना वो कई बार नंबरिंग में कम रह जाती है, नंबर्स कम आते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ती है कि उनके डर से जो पुरानी रवायती पार्टी है ना उनको अपना एजेंडा रीसेट करना पड़ता है। चलो हमारे डर से ही सही, हमारे डर से ही सही, अपना एजेंडा रीसेट कर लो भाई। अब करने लगे ना अस्पतालों की बात, अब होने लगी है ना स्कूलों की बात, अब गृह मंत्री साहब पर्चे बांट रहे थे ना दिल्ली में घर घर जाके, पहले कब होता था ऐसा? तो इसलिए ठीक है हमसे सीख लें। पहले जो मैनिफेस्टो था बीजेपी, या तो मैनिफेस्टो कहती थी, या घोषणा पत्र कहती थी, या संकल्प पत्र कहती थी। जब उनको पता चला ये घोषणा पत्र संकल्प पत्र लोगों के दिल में जा नहीं रहा, यार अरविंद केजरीवाल गारंटियां कहता है, चलो जी हमारा लफ्ज चोरी कर लिया, अब मोदी जी की गारंटियां आ गई। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आ गई केजरीवाल की गारंटियां। आपने कहा पहले ये नहीं होता था, पहले वो नहीं होता था, आप सब सीख रहे हैं। केजरीवाल साहब ने भी तो नई चीज सिखाई, चीफ मिनिस्टर जेल में है वो इस्तीफा नहीं दे रहे, आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में सर, चीफ मिनिस्टर को जेल 1 महीने से। चीफ कौन से कानून में लिखा है कि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आरोप लगा के जेल के अंदर कर दो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा? कौन से कानून में लिखा है सर? कोई मर्यादा होती है? जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया तब कहते भगोड़ा है, अब कहते इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? अरे भाई साहब वो आरोपी है, दोषी नहीं है, जिस दिन दोषी हो गए दे देंगे, लेकिन पता है इनको भी पता है, सिर्फ रोकने के लिए कि ये प्रचार ना कर पाए रोकने के लिए अंदर कर दिया। संजय सिंह पर सेम आरोप है, 6 महीने बाद ईडी क्या कह रही है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जमानत दे दो जी, ऐसे ही अरविंद जी के बारे में कहेंगे? तो ऐसे तो मुझे, मैं सिटिंग CM हूं, मुझे भी अंदर कर देंगे, बोले इस्तीफा दो, ऐसे थोड़ी होता है। सर यही तो बात है ना, अब ये तो जिद जैसी लग रही है कि भाई कौन कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जगह भाजपा की सरकार बना दो, ये बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है, मैं तो आरोप भी नहीं अभी बात कर रहा, कि जेल में है तो भाई दिल्ली को तो चीफ मिनिस्टर चाहिए ना, आप किसी और को बना दो चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी में। अच्छा हमको सिखा रहा है, जेल में वो आरोपी की है तो जेल से सरकार क्यों नहीं चल सकती? कैसे चलेगी सर बताओ? मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सुब्रतो सहारा पर इल्जाम लगा चिटफंड का 20,000 करोड़ रुपए का, दोषी साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे वापस कर दो लोगों के, उसने कहा जी मैं कैसे जेल में बैठा कर दूं वापस, तिहाड़ में ही था वो भी, मुझे साइन करने होंगे, प्रॉपर्टीज बेचनी है, बहुत से चेक पर साइन करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑफिस बना के दे दिया जेल में, उसने जेल से सारे चेक साइन किए और सारे अपने प्रॉपर्टीज का जो उसके साइन होने थे वो सारे। एक दोषी को अगर जेल में ऑफिस मिल सकता है, आरोपी को क्यों नहीं मिल सकता, क्यों नहीं चल सकती? तो कौन देगा ये? आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार, LG उनको दफ्तर बना के दें सरकार चलाने के लिए, वो क्यों देंगे? नहीं मुझे पहले तो ये बताओ ये मानते किसकी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया, 5 जजों का बेंच था, 5-0 का फैसला दिया कि सर्विसेज जो हैं वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास होनी चाहिए। फैसला आ गया, हम बहुत खुश हुए, इतनी देर हमने केस लड़ा। 5 बजे कोर्ट बंद हुई, 6 बजे ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि नहीं जी नहीं हम नहीं मानेंगे, जो दिल्ली के फैसले वो LG करेगा।
आप मुझे ये बता दीजिए, पब्लिक बैठी है, पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली के, डेमोक्रेसी में सिलेक्टेड की चलती है या इलेक्टेड की चलती है? एलजी इज सिलेक्टेड, गवर्नर्स आर सिलेक्टेड और मुख्यमंत्री इलेक्टेड। बात तो सही है। अब आप खुद एक सीएम है, आपको जनता से मिलना है, आपको अपनी कैबिनेट की मीटिंग करनी है, आपको अफसरों से मिलना है, ये सब कैसे जेल में होगा मुझे बताइए? आप तो मुलाकात करके आए उनसे ना। पहले ये बताओ, एक बंदा था, उसने किसी से पूछा, कहता अगर जंगल में जाओ तो आपके पीछे शेर पड़ जाए, शेर आपके पीछे हो जाए तो क्या करो? कहता मैं गोली मार दूंगा। कहता आपके पास कारतूस ना हो? कहता बंदूक का बट मार दूंगा मैं। कहता आपके पास बंदूक ही ना हो? कहता मैं उसको छुरा निकाल के उसका गर्दन काट दूंगा। कहता अगर आपके पास छुरा भी ना हो? कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा, उसकी आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर आपके पास लाल मिर्ची भी ना हो? कहता मैं भाग के किसी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर आपके पीछे पेड़ पर चढ़ जाए? उसने कहा जी मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? पहले आप ये बताओ, आपने इस्तीफा ले नहीं लेना? आ जा, किसकी तरफ हो? अगर शेर की तरफ हो फिर तो कुछ कर नहीं, शेर की तरफ की बात है। मान साहब केजरीवाल साहब से जेल में मिलके आए। हाँ। मान साहब ने क्या बोला बाहर आके? मेरी मुलाकात कराई जैसे आतंकवादी से मुलाकात करा रहे हैं। हाँ। एक गंदा सा शीशा बीच में, एक टेलीफोन इधर, एक टेलीफोन इधर, ये हालात है। मैं इन हालात में कह रहा हूँ आपसे, सरकार कैसे चलेगी जेल से? अभी पता चलेगा। आप तिहाड़ जेल का जेल मैनुअल की बुक पढ़ना, 188 नंबर पेज पर 602 नंबर क्लॉज है कि सुपरिटेंडेंट पर डिपेंड करता है, जेल सुपरिटेंडेंट पर, कि वो वेल बिहेव्ड प्रिजनर जो हैं उनकी अपने कमरे में 1-to-1 मीटिंग करा सकता है। सोनिया गांधी जब पी चिदम्बरम को मिलने जाती थी, जेल के सुपरिटेंडेंट के कमरे में मीटिंग होती थी। प्रकाश सिंह बादल जब चौटाला को मिलने जाते थे तो जेल के सुपरिटेंडेंट के कमरे में मीटिंग होती थी। एक सीटिंग सीएम उधर है, एक सीटिंग मैं हूं, तो हमें ऐसे मिलाया गया जैसे कोई देश का बहुत बड़ा अपराधी पकड़ लिया हो। ये जानबूझकर तंग करने वाली बात है। लेकिन मैं इतना कहता हूं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना था? 36 वोट गिनने थे भाई साहब, 36, 35 काउंसलर, एक एमपी की वोट है, किरण खेर उस एमपी। 36 वोट गिनने थे, कैसे गिन रहा था वो पूरे देश ने देखा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उसने बुला लिया सारा बक्सा 36 बोर्ड का। चीफ जस्टिस ने खुद गिनी बोर्ड, 8 की 8 बोर्ड जो कैंसिल की थी आम आदमी पार्टी की थी, पहली बार हुआ जुडिशियल हिस्ट्री में कि चीफ जस्टिस ने खुद डिक्लेयर किया कि मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। मुझे ये नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेयर हमारा, लेकिन एक बात की चिंता बहुत है मुझे। अब 36 बोर्ड गिनने में आप 8 बोर्ड का घोटाला कर गए, मतलब 25%। 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे, उसमें क्या होगा? मुझे चिंता इस बात की है। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है ये फिक्स है, मैच फिक्स है। आपने कहा इनको 36 वोट गिनने वाला, वैसे ऐसे सीसीटीवी देख के गिन रहा था, और क्या क्या किया होगा? अब क्या करेंगे क्या पता। लेकिन आप उसी मान साहब उसी ईवीएम से चीफ मिनिस्टर बने जिससे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। कल सूरत में क्या हुआ? हाँ जी, सूरत में क्या हुआ? हाँ, सूरत में कैंडिडेट ने पर्चा गलत भर दिया। अच्छा, कैंडिडेट ने पर्चा गलत नहीं भरा, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा अब तक। कैंडिडेट कहां गया? कैंडिडेट कहां गया? कैंडिडेट कर लिया हाईजैक, पर्चा गलत भरवा दिया, बाकी 7 ने पर्चे वापस ले लिए, ठीक है जी, तो डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है कि ये नहीं कर सकते ऐसा, उसमें नोटा का बटन नहीं है। सूरत के 15 लाख वोटों में से अगर 2 लाख का ये मन करे कि मैंने नोटा दबाना है तो उनका हक कहां गया फिर? आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया? 4 जून को डिक्लेयर करते कि भाई और कोई है नहीं, नोटा में इतनी है, इसको इतनी है, तो डिक्लेयर कर देते। ये कैसे हो गया? सर्वसम्मति कैसे हो गई? ये चुनाव में इसलिए कैसे हो गया? नोटा वालों का हक कहां गया? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संविधान बचाना है, दिल्ली की अदालत में क्या लड़ाई चल रही है? अरविंद केजरीवाल ने आलू पूरी खाई, आम खाया, मिठाई खाई, जेल से बाहर निकलने के लिए शुगर बढ़ा रहे हैं। कुछ भी उनका मैं साथ रहता हूँ। उनका शुगर लेवल नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है। यहाँ पे उनके वो लगा हुआ है चेक करने वाला, यहाँ से वो करते हैं, चेक करते हैं, हर खाना खाने से पहले पेट में वो इंसुलिन का टीका लेते हैं। अब ये तो भगवान है, किसी को बीमारी हो गई तो, लेकिन उसका मजाक तो मत उड़ाओ यार।
उसका ये तो मत कहो कि ये देखिए जी लड्डू खा रहा है जी आम खा रहा है, मतलब ये तो कोई मैनुअल नहीं है ना कि वहां जाके अरविंद केजरीवाल बस सिर्फ करेले का सूप ही पिएगा, ठीक है ना। इनका इनका इनकी जब इंटरव्यू आती है भाई साहब की, तो अक्षय कुमार क्या पूछता है, आम कैसे खाना पसंद करते हो, आम को आप काट के खाते हो या ऐसे खाते हो, तब ये सब मुद्दा होता देश का। उस वाले आम की बात नहीं करते, हमारे वाले आम की बात करते हैं। लेकिन अब पार्टी कैसे चल रही है आपकी, केजरीवाल साहब कोई इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं जेल से या कैसे? संगठन है हमारा, पीएसी है हमारी, हमारी पार्टी आतिशी, हमारी दिल्ली में मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज हैं, संजय सिंह जी आ गए हैं, गोपाल राय जी हैं, हमारे पंजाब में हमारी मिनिस्ट्री है, हमारे हर स्टेट में हमारा संगठन है और हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। हम यूनैनिमसली ऐसे फैसले करते हैं, लोकतंत्र डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं, पार्टी को कुछ नहीं होगा, ये गलतफहमी में है, पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है, ये इनको गलतफहमी है कि एक बंदे को अंदर करके पार्टी खत्म कर देंगे, ये पार्टी अब करोड़ों लोगों की पार्टी बन चुकी है। 4 जून को इंटरव्यू करना मेरी, उसके बाद पूछेंगे। अब भाई साहब को पहले राउंड में हो गया ना पंगा, पहले राउंड में जब पता चल गया कि 102 में से सिर्फ 30-32 ही आ रही हैं, तब बदल लिया ना भाषण का टोन, पहले कहते थे अब की बार 400 पर, अब कहते स्थिर सरकार, और दूसरी टोन पे भी आ गए जो उनका हथियार है। अरे भाई साहब 10 साल के बाद भी इतना बड़ा मैंडेट लेके, 10 साल के बाद भी अगर मंगलसूत्र पर वोट मांगोगे यार, ये तो शर्म की बात है यार, 10 साल बाद भी यार, कभी कभी शमशान पर, कब्रिस्तान पर, कभी पुलवामा पर, कभी काम भी बता दो। 15 लाख रुपया आ गया जी आपके खाते में, वो भी गारंटी थी, काला धन आ गया जी देश का सारा है जी, सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, मतलब तब कोई नहीं पूछता कि ये क्या हो रहा है भाई, सारे एयरपोर्ट उनके हैं, सब कुछ उनका है। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, लोकसभा में रिकॉर्ड पे है, मैंने कहा हर बात पे झूठ चल रहा है, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है, मुझे लगता चाय भी नहीं आती होगी, ये भी ऐसी छोड़ा जुमला। आपकी तो पीएम साहब से मीटिंग होती रहती है, आप पूछ लेते? नहीं, मैं आप ये बातें थोड़ी पूछूंगा, मैं तो अपने पैसे लेने आता हूँ, मेरा तो 8,000 करोड़ लेके बैठे हैं, RDF का पैसा, RDF रूरल डेवलपमेंट फंड 5,500 करोड़ रुपया, मंडियों का अपग्रेडेशन और मंडियों की जाति जो सड़कें हैं, फुटबॉल है पंजाब, 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं देंगे हम अब अभी इसी महीने पूरे देश को, 200 लाख मीट्रिक टन चावल देंगे हम, मंडियां भी अपग्रेड करनी, उसका पैसा रोक के बैठे हैं, पूरे देश की फुटबॉल है पंजाब, पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा करते रहोगे तो ये तो गलत बात है। हाँ, हम पंजाबी हैं, दिल के बहुत बड़े हैं, हम ये नहीं कहें कि हम कम क्यों, हाँ गेहूं रोक लें या चावल रोक लें, हमारा पैसा तो दो दो जो हमारा हक बनता है, GST का हमारा पैसा नहीं देते, NHM का हमारा पैसा नहीं देते, मतलब कारण वही कि सरकार क्यों नहीं है यहाँ पे, अब क्या करें भाई इसका यार। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।